हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जब भी कोई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम के बाद जो सबसे बड़ी हेडेक होती है वो उन लोगों को होती है जो अधियारे में लटके होते हैं। अधियारे में लटके होने का मतलब ये है कि जिनको थोड़ा बहुत डाउट होता है कि मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि वो डाउट इसलिए भी करते हैं कि आगे मैं मेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँ या ना प्रिपेयर करूँ। इस वीडियो में वैसे तो हम IBPS PO प्रीलिम्स 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं, बट कट ऑफ पे आने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। मैं हमेशा कहता हूँ, आप कभी ये सोचकर मेंस की तैयारी मत करो कि मेरा एग्जाम निकलेगा तो मैं अपने आप को मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि जब आपका एग्जाम निकलेगा तो मेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का आपके पास समय नहीं रह जाएगा दोस्तों। इसलिए अपने आप को इस तरीके से तैयार करो, अपने आप को पहले से ही आप प्रिपेयर करके चलो, और प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि इनकेस अगर प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकलता है, आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हो, तो ये ना सही, अगला कोई मेंस तो आप दोगे ना। और पता लगा हम मेंस को फोकस नहीं कर रहे हैं, मेंस हमने तैयारी नहीं कर रखा है, हम इस उम्मीद में जिंदा हैं कि प्री निकल जाएगा तब मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। कंपटीशन का लेवल अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। 19 तारीख को आपका एग्जाम होता है, 20 तारीख को आपका एग्जाम होता है। चारों शिफ्ट की हमने एनालिसिस की, अलग अलग वीडियोस में हमने बात की कि भाई आपकी कैसे शिफ्ट रही, क्या क्या चीज़ें पूछी गई, क्या एग्जामिनर ने लेवल रखा। लास्ट ईयर से हमने कंपैरिजन किया तो उसकी बात जो है हम लोग ऑलरेडी लाइव कर चुके हैं, लाइव में वो सेशन ले चुका हूँ। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। हमने एक कह सकते हो रिसर्च करके ये कट ऑफ तैयार की है, और कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रिडिक्शन मेरा गलत हुआ। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि जिस दिन से ऐसा होगा कि प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा, उस दिन से ऐसे वीडियोस बनाना मैं बंद कर दूंगा। इन वीडियोस को बनाने के पीछे की एक और वजह रहती है दोस्तों, वो वजह ये रहती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बूस्टअप होता है। जब आप ये देखते हो कि अच्छा इतनी कट ऑफ सर बता रहे हैं और मेरे तो इससे ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने अंदर से ना आप कॉन्फिडेंट फील करते हो और आगे की जो तैयारी है उसको आप बहुत स्मूथली लेके चलते हो। ये सब तो हम सब ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि पेपर का जो लेवल था वो बहुत इजी नहीं कहा जा सकता। पेपर अच्छा खासा आया, इंग्लिश जो है खासकर चैलेंजिंग करने वाली रही इस बार। इंग्लिश का हाल तो ये रहा कि 20-22 जो है वो तकरीबन हर एक शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट रहे, 2-4 केसेस को अगर आप छोड़ दो। वरना जनरली क्या होता था, मैथ और रीजनिंग में आपको थोड़ा सा देखने को मिलता था फेरबदल, बट इस बार इंग्लिश के साथ भी ऐसा हुआ। लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ की बात करें तो लास्ट ईयर की जो फाइनल वैकेंसीज़ थी वो 3849 थी। अब आप लोग कहोगे सर 3849 नहीं थी और कम थी, आप अपना डेटा चेक करिए। तो एक्चुअली दोस्तों आपको नहीं पता होगा, 800 वैकेंसी जो है वो बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी, क्योंकि पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी, बाद में उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी। लेकिन ये जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसीज रिपोर्ट की थी ये एग्ज़ाम के बाद की थी, जो कि मेरा हिसाब से गलत है कतई, क्योंकि आप अगर पहले ही अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट कर दोगे ना तो फिर उसी हिसाब से लोग जो है वो प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराए जाएंगे, बाद में वैकेंसी इंक्रीज करने का क्या मतलब है। खैर छोड़ो, इस बार की जो वैकेंसीज है वो भी तकरीबन आपके 4000 के आसपास हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आपको याद हो तो जनरल OBC और EWS की जो कट ऑफ थी वो 54 point something थी। इस बार की बात करें तो ये तो तय है कि कट ऑफ जो है वो आपके प्रीवियस ईयर से भी कम जाने वाली है, ये तो तय है। क्योंकि अगर आप पेपर के लेवल की बात कर लो तो पेपर के लेवल में वाकई में दोस्तों चेंजेस हैं। आप पॉइंट की बात कर लो, या फिर आप रीजनिंग की बात कर लो, या फिर आप इंग्लिश की बात कर लो, तो कट ऑफ तो लास्ट ईयर से कम जाने वाली है, बट इतना भी कम नहीं चली जाएगी कि लास्ट ईयर 54 थी तो आपकी बार 46-47 पर जाके कट ऑफ रह जाएगी। नहीं जी, 46-47 पर जाके नहीं रह जाएगी। एक डेटा जो है वो हमने तैयार किया है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, कल जैसे एक वीडियो जो है एनालिसिस की, हाँ हम लोग सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस कर रहे थे, तो उस पर एक बच्चे का कमेंट आया था, कह रहा है सर कि आपको कैसे पता चल जाता है कि पेपर हार्ड था या पेपर आसान था। तो दोस्त अगर आप दिन भर बैठ के इस चीज़ पे रिसर्च करोगे, सारे बच्चों की बातें सुनोगे, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा आइडिया पता है कैसे लगता है, जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे पास अपने खुद के बच्चे हैं जो जाके क्या कर रहे हैं, जो जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब वो एग्ज़ाम से निकल के आते हैं तो उनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ, फ़ोन कॉल पे बात होती है, उनसे मैं क्वेश्चन तक रिमाइंड करवाने को कहता हूँ कि याद करो कि क्या क्वेश्चन था। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जब सबसे पर्सनली बात होती है तो सब अपना अपना जो है वो रिव्यू देते हैं कि सर ये वाली पजल इस टाइप की थी, ये वाली DI इस टाइप की थी। और जब सबकी रिव्यू लेने के बाद आप डिसीजन लेते हो ना,
तब आप ये निर्णय ले पाते हो कि वाकई में पेपर का लेवल कैसा था। किसी एक या दो बच्चे के बताने से आप पेपर के लेवल को डिसाइड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पूरे दिन भर का समय चाहिए होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। आपके सब्र को मैं जो है ब्रेक नहीं करना चाहता, सीधे आपको लेके चलता हूँ। देखो दोस्तों 2024 की अगर बात करें तो मैंने सारी कैटेगरीज की यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बना रखी है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि 52 प्लस माइनस 3 कर लो, प्लस माइनस 4 कर लो, नहीं। 52 अगर मैंने कह दिया है तो 51.5 या 52.5 हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे मामला नहीं होगा। दोस्तों अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तो अब की बार आपके 52 मार्क्स तक अगर बन रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आपके 52 मार्क्स तक भी आ रहे हैं देन डेफिनेटली आप सेफ हैं और आप अपने आप को मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बात है जनरल कैंडिडेट की, और ये बात है आपके ओबीसी और जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले भाई लोग हैं उनकी, कि आपकी कट ऑफ में, क्योंकि ये फिल्म्स की कट ऑफ है, कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, अगर 52 मार्क्स आपके आ रहे हैं देन डेफिनेटली आप मेंस में बैठने वाले हो। बात करेंगे दोस्तों अगर एससी एसटी की, तो एससी की जो कट ऑफ है वो इस बार की 47 के आसपास रहने वाली है शेड्यूल कास्ट की, और शेड्यूल ट्राइब की बात करोगे तो इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी 41 रहने वाली है। बाकी जितने हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड भाई लोग हैं, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो विजुअली या ऑर्थोपेडिकली जिसमें भी आप आते हो, HI कैटेगरी 29, OC कैटेगरी 40 तक, VI कैटेगरी 37 तक, और ID कैटेगरी ये आपकी 18 नंबर तक, ये उन लोगों की कट ऑफ है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो दोस्तों इस कट ऑफ से डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक सुकून वाली फील आएगी, सुकून मिलेगा आपको कि हाँ सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे एंड आई थिंक मेरी एक्यूरेसी इतनी है, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, देन डेफिनेटली मैं मेंस में बैठूंगा। और मेंस में बैठूंगा यही सोच के आपको मेंस के लिए अपने आप को तैयार भी करना है, क्योंकि आगे चल के अभी आपको SBI क्लर्क, SBI PO के मेंस एग्जाम भी देने हैं। बात करेंगे अगर सेक्शनल की, तो मेरे हिसाब से इस बार का जो सेक्शनल है वो क्वांट और इंग्लिश का दोस्तों डाउन होने वाला है। जनरल अगर आप देखो ना, तो जनरली इंग्लिश का जो आपका सेक्शनल है वो 10-11 नंबर के आसपास होता था, बट अब की बार जहां तक मुझे लग रहा है कि इंग्लिश जो है वो आपके सेक्शनल 7-8 नंबर तक ही रहने वाली है, क्योंकि इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक था। क्वांट की भी जो दोस्तों सेक्शनल है वो भी आपका डाउन रहने वाला है। लास्ट ईयर जहां तक मुझे याद है 6 या 7 नंबर था, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, देखा है मैंने, जहां तक मुझे याद है 6 या 7 नंबर था। इस बार भी दोस्तों वो नहीं, शायद 7 नंबर था लास्ट ईयर, हाँ ठीक है 7 था। इस बार भी दोस्तों वहां पे थोड़ा सा वेरिएबल देखने को मिल सकता है कि एक आधा नंबर आपकी पिछले साल से भी कम जाए, क्योंकि इस बार की पॉइंट ठीक ठाक थी। रीजनिंग जो थी वो भी दोस्तों आपकी 4 से 5 शिफ्ट ऐसी थी जहां रीजनिंग अच्छी खासी आई, पजल जो है वो काफी लंदी लंदी आई। तो रीजनिंग का जो सेक्शनल है वो 8 से 9, इंग्लिश जो है 7 से 8, और क्वांट जो है वो आपकी 6 से 7 नंबर तक सेक्शनल जा सकती है। अपनी तैयारी जो है ना वो कभी रुकने मत दीजिएगा। तैयारी अगर आपने रोक दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कल मंडे है, कल से रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हम पिछले 6-7 महीनों से लगातार मेंस पढ़ रहे हैं, आप आइए मेरी एक बार मेंस की क्लास में, क्लास में आके एक बार आप कंटेंट का लेवल देखिए, क्योंकि मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, मैं टाइप वाइज आपको DI कराऊंगा कि ये DI है, ये टाइप है, ये बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। तो आइए मेरे साथ रात में 8 बजे मेरी क्लास को ज्वाइन करिए, जहाँ पे हम क्वांट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग टास्क है वो आपका दोस्तों क्वांट है, हम क्या करेंगे बेहतर तरीके से IBPS PO मेंस के लिए क्वांट को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, कंटेंट देखिए, कंटेंट का लेवल देखिए, अप्रोच देखिए, पसंद आए तो आप आगे कंटिन्यू करिएगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं और हर एक मेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और आप भी ये फायदा उठा सकते हो। एक बार आइए क्लास करिए, डेली आपको रात में 8 बजे क्लास मिलेगी। अभी तो 2 दिन से बंद कर रखा था क्योंकि आपके IBPS PO के प्रीलिम्स का एग्जाम चल रहा था, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, हंसते मुस्कुराते रहिए। इंटरव्यू की क्लासेस RRB PO की प्रॉपर चल रही हैं, प्लेलिस्ट में इंटरव्यू क्लासेस RRB PO इंटरव्यू क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उस प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा। जिस सिस्टमेटिक वे में हम इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं, पूरे यूट्यूब पे आपको वैसे क्लासेस नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों सब कुछ आपके लिए है, पसंद आए तो करिए, नहीं पसंद आए तो आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।